नमस्कार दोस्तों, मैं आधुनिक वास्तु एस्ट्रो विशेषज्ञ दीप्ति जैन स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। जो लोग हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँच जाएँ उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि वास्तु अनुसार सभी 12 राशियों के जातकों को 2020 में क्या क्या बदलाव करने हैं। यकीन मानिए, घर में किए गए वास्तु के छोटे छोटे बदलाव आपके आने वाले समय को अच्छा करने में काफ़ी मददगार होंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं साल 2020 के बारे में। मीन राशि वाले जातक इस वर्ष मूड स्विंग व नकारात्मक सोच से अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। आत्मरति रहकर आप दार्शनिक मोड में रहेंगे। क्षमाशील रहकर भी दूसरों के प्रति उदारता बरतेंगे। ईश्वर के प्रति आस्था व विश्वास आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा। इस वर्ष आपका हेल्थ इंडेक्स लगभग 30% रहेगा। इस वर्ष आपको मानसिक रोग और पीड़ा होने के संकेत हैं। आपकी भूख दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। तनाव के कारण नशीली दवाइयों का सेवन करने से बचें। पांव में दर्द भी हो सकते हैं। इस वर्ष आपका हैप्पीनेस इंडेक्स लगभग 40% रहेगा। इस वर्ष आप में त्याग भाव की जागृति होगी। आप घर में ही रहना पसंद करेंगे। दूसरों के प्रति समर्पण भाव विकसित होंगे। आप इस वर्ष अंतर्मुखी रहना पसंद करेंगे। डिप्रेशन में आने से बचें। इस वर्ष आपका करियर इंडेक्स लगभग 60% रहेगा। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह वर्ष अति श्रेष्ठ है। लेखक, चित्रकार व ज्योतिषियों के लिए यह वर्ष क्रिएटिव और प्रॉमिसिंग रहेगा। संगीतकार नए व मधुर संगीत लाएंगे, उनके आय के नए रास्ते खुलेंगे। स्वयं की प्रसन्नता और सफलता हेतु कुछ वास्तु उपचार। घर की पश्चिम दिशा में हंसते हुए बच्चों का चित्र लगाएं। घर के बगीचे में चांदनी का पौधा लगाएं। शयन कक्ष में मोगरे का अरोमा डिस्पेंसर रखें। घर की उत्तर दिशा को स्वच्छ रखें, वहां जल से भरा पात्र रखें और जल को नियमित बदलें। तो इस वीडियो में हमने जाना कैसा रहेगा 2020 इस राशि के जातकों का। हमने आपको कुछ उपाय भी बताए हैं जिसका इस्तेमाल आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर आपको वास्तु से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।